विच आर एंगल्स। आपको पता है कौन कौन से एंगल्स हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम? 90 degrees, 105, 135। ठीक है, कोई पैटर्न है इनका? 15 के टेबल में, वेरी गुड। याद रखना ये चीज, जितने भी एंगल्स 15 के टेबल में आ सकते हैं वो सारे के सारे विदाउट एनी प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, स्टार्टिंग विद ज़ीरो, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो 0 degree, 15 degree, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, उसके बाद 150, 165 एंड 180। इसके बाद भी हो सकते हैं और इसके बीच में भी हो सकते हैं, नॉट एन इशू। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं मेजर एंगल्स की बात कर रहे हैं, फिर मैं इसके बीच वाले की भी बात कर लूँगा इन नेक्स्ट वीडियो। ये सारे के सारे मेजर एंगल्स हैं जो हमारे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। ज़ीरो को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है, ज़ीरो को निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। आप एक बेस लाइन बनाएंगे इसके अंदर, आप एक बेस लाइन बनाएंगे, ठीक है। एक साइड पे जिस पे एंगल बनाना है उस पे डॉट बना दो, दूसरी साइड एरो बना दो, तो आपकी एक रे बन गई। आप कह सकते हो ओ ए एक रे, ठीक है, ओ ए एक रे बन गई। अभी ये जहाँ पर जो हमें कंपास लेंगे और पेंसिल, कोई भी आप रेडियस ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, ठीक है ना, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से छोटा बड़ा कोई भी रेडियस ले सकते हैं। बट मेक श्योर जब आप एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आपने जो भी रेडियस लिया उसको चेंज नहीं करना। कंपास को पकड़ने का तरीका, कभी भी पेंसिल से ना पकड़े, और ये वाली आर्म जो होती है वो फ्री रहनी चाहिए। तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इसके टॉप से पकड़ें और अपने फिंगर्स को इसको सपोर्ट दें इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे पकड़ सकते हैं, कभी भी यहाँ नहीं पकड़ते, सो दैट ये दब ना जाए, चेंज ना हो जाए एंगल। तो आप अभी खुद कभी करके देखना। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने पकड़ रखा है, आप ओरिजिन पे मतलब ये सेंटर पे आप स्टैंड हो जाएं। स्टैंड होने का मतलब है मेरा ये कंपास आपने रखना, और जो भी आपने रेडियस लिया है उसे आप सेमी सर्कल बनाएं, ठीक है। आपने एक सेमी सर्कल बना दिया, अब ये जो सेमी सर्कल बन गया सारे एंगल्स इसी पे ही आपके कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। सबसे स्टार्टिंग में ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज 0 degree, बिकॉज एंगल अभी आगे मूव नहीं करा। विदाउट चेंजिंग द रेडियस, तो हम यहाँ पे टिक मारते चले जाएंगे जो जो एंगल हमारे बन जाएंगे। आई ट्राई मैक्सिमम एंगल्स आपके बन जाए। आप 0 degree पे स्टैंड हो जाएं विदाउट चेंजिंग द रेडियस। आप एक आर्क बनाएंगे जिस पे आप ये सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करवाएंगे। आपको पता है कौन सा एंगल बन जाएगा, कौन सा एंगल बनेगा? 60 degree। तो आप चाहें तो इसको लाइन को आप आगे बढ़ा सकते हैं, नॉट एन इशू, थोड़ा अच्छा सा दिखेगा। तो ये वाला जो गैप है, ये गैप वो क्या हो गया, 60 degree का। बट मेरे से पूछा जाएगा 60 degree कहाँ पर है, एक पॉइंट बताओ, तो वो यहाँ पर है पॉइंट। ये आपको हेल्प करेगा जब मैं आपसे बोलूँगा स्टैंड ऑन 60 degree, दैट मीन्स स्टैंड ऑन 60 degree पॉइंट, वो सेमी सर्कल पे होगा। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 60 degree। आगे बढ़ते हैं विदाउट चेंजिंग द रेडियस, 60 degree पे स्टैंड होकर आगे आर्क बनाते हैं। एनी गेसेस, ये पॉइंट कौन से कितने डिग्री का होगा? 120। यहाँ से लेके यहाँ तक 60 degree, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन 60 degree, दैट मीन्स ये पूरा कितना हो गया,
120 डिग्री, और आप इसको यहाँ पे लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपने 60 बना लिया, 120 बना लिया। एनी गेसेस अगला क्या बनने वाला है? 90। नो, 180। क्या बनने वाला है? 180 डिग्री। इसके क्या आता है? ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 180 डिग्री। तो सी, हमने एक ही बार में चार एंगल्स करना बनाना सीख लिया। ये हमारे बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से जो बीच वाले एंगल्स हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।